ओम सहनावतु। ईश्वर हमारा रक्षण करे। सहनो भुनक्तु, हम सब मिलकर सुख भोगे। सह वीर्यम करवावहे, एक दूसरे के लाभ हेतु प्रयास करें। तेजस्वी नावधितमस्तु, हम सबका जीवन तेज से भर जाए। मा विद विषावहे, परस्पर कोई द्वेष या ईर्ष्या ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं YouTube चैनल द ट्रूथ एंड फिलोसॉफी में। मैं डॉक्टर सत्यव्रत दास आज चर्चा करेंगे कठ उपनिषद के बारे में। मनुष्य शरीर और इंद्रियां विनाशवान है और आत्मा जो परमात्मा का है वह अविनाशी पूर्ण सच्चिदानंद इन इंद्रियों से परे हैं। इन मन बुद्धि चित्त और अहंकार से भी परे हैं। आखिर परमात्मा को पाने के लिए कौन से मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि की आवश्यकता है और वे चीजें कैसे प्राप्त हो सकती है, किस तरह की साधना चाहिए तथा हमें किस तरह की उपलब्धि प्राप्त होती है। आत्मा परमात्मा प्रकृति आदि क्या है, इस संदर्भ में कठोपनिषद का विवेचन अधिक उपयुक्त होगा, जिसमें नचिकेता तथा मृत्यु के देवता यमराज का वार्तालाप है। इन प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर या तो महात्मा यमराज या स्वयं भगवान या फिर ब्रह्मज्ञानी ऋषियां भी दे सकते हैं। कठोपनिषद यजुर्वेद का शाखा है और एक उपनिषद है। इसके रचयिता वैदिक काल के महान विभूति ऋषि कठ जी के नाम जाता है, परंतु मुख्यतः वेद व्यास जी को ही कई उपनिषदों का लेखक माना जाता है। यह उपनिषद आत्म तत्व के विषय में है। जिज्ञासु बालक नचिकेता और महात्मा यमराज के बीच संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद से मिलता है। यह विद्या केवल नचिकेता के लिए ही नहीं है, यह तो सृष्टि एवं उसमें विराजमान ईश्वर द्वारा समस्त मानव जाति को दिया हुआ विभूति है। नचिकेता के पिता जब विश्वजीत यज्ञ के बाद बूढ़ी एवं बीमार गायों को ब्राह्मणों को दान में देने लगे तो नचिकेता ने अपने पिता से पूछा कि आप मुझे दान में किसे देंगे। तब बार बार पूछने पे नचिकेता के पिता क्रोध से आकर बोले कि मैं तुम्हें यमराज को दान में दे दूंगा, क्योंकि ये शब्द यज्ञ के समय कह गए थे, अतः नचिकेता को यमराज के पास जाना ही पड़ा। यमराज अपने महल से बाहर थे, इस कारण नचिकेता ने 3 दिन एवं 3 रातों तक यमराज के महल के बाहर प्रतीक्षा की। यमपुरी के द्वार पर बैठा नचिकेता बीती बातों सोच रहा था। उसे इस बात का संतोष था कि वह पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था। लगातार 3 दिन तक वह यमपुरी के बाहर बैठा यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। 3रे दिन जब यमराज आए तो वे नचिकेता को देखकर चौंक गए। जब उन्हें उसके बारे में मालूम हुआ तो वे भी आश्चर्यचकित रह गए। नचिकेता ने उन्हें प्रणाम किया। उस समय उसके चेहरे पर अपूर्व तेज था।
उसे देखकर यमराज बोले, बच, मैं तुम्हारा पितृभक्ति और दृढ़ निश्चय से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम मुझसे कोई भी 3 वरदान मांग सकते हो। यह सुनकर नचिकेता की प्रसन्नता की सीमा ना रही। नचिकेता ने पहले वरदान में कहा कि जब वो घर वापस जाएंगे तो उसके पिता उसे स्वीकार करें एवं उसके पिता का क्रोध शांत हो। दूसरे वरदान में नचिकेता ने जानना चाहा कि क्या देवी और देवता स्वर्ग में जो है वो क्या अजर और अमर रहते हैं और निर्भय होकर विचरण करते हैं। तब यमराज ने नचिकेता को अग्नि ज्ञान दिया, जिसे नचिकेता अग्नि भी कहते हैं। तीसरी वरदान में नचिकेता ने पूछा कि हे यमराज, सुना है कि आत्मा अजर और अमर है, मृत्यु एवं जीवन का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। नचिकेता ने पूछा कि उस मृत्यु एवं जन्म का रहस्य क्या है? क्या इस चक्र से बाहर आने का कोई उपाय है? तब यमराज ने कहा कि यह प्रश्न मत पूछो, मैं तुम्हें अपार धन संपदा, राज्य इत्यादि इस प्रश्न के बदले दे दूंगा। लेकिन नचिकेता अडिग रहे और तब यमराज ने नचिकेता को आत्मज्ञान दिया। सत्य हमेशा प्रासंगिक ही होता है। यमराज और नचिकेता के संवाद का वर्णन संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। नचिकेता पूछते हैं कि किस तरह शरीर से ब्रह्म या ज्ञान का दर्शन हो सकता है। यमराज उत्तर देते हैं कि मनुष्य शरीर 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, 1 मुंह, ब्रह्मरंध्र, नाभि, गुदा और शीश के रूप में 11 दरवाजे वाले नगर की तरह है, जो ब्रह्म की नगरी है। वे मनुष्य के हृदय में रहते हैं। इस रहस्य को जो मनुष्य ध्यान और चिंतन करता है, उसे किसी प्रकार का दुख नहीं होता। ऐसा ध्यान और चिंतन करने वाले लोग मृत्यु के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। नचिकेता ने फिर प्रश्न किया, क्या आत्मा मरती है या मारती है? यमराज उत्तर देने लगे, जो लोग आत्मा को मारने वाले या मरने वाले मानते हैं, वे असल में आत्मा को नहीं जानते और भटके हुए हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, क्योंकि आत्मा न मरती है न किसी को मार सकती है। नचिकेता ने फिर प्रश्न किया, कैसे हृदय में माना जाता है परमात्मा का वास? यमराज उत्तर देते हैं कि मनुष्य का हृदय ब्रह्म को पाने का स्थान माना जाता है। यमदेव ने बताया, मनुष्य ही परमात्मा को पाने का अधिकारी माना गया है। उसका हृदय अंगूठे के माप का होता है, इसीलिए उसके अनुसार ही ब्रह्म को अंगूठे के आकार का पुकारा गया है। और अपने हृदय में भगवान का वास मानने वाले व्यक्ति यह मानता है कि दूसरे के हृदय में भी ब्रह्म इसी तरह विराजमान है, इसीलिए दूसरों की बुराई या घृणा से दूर रहना चाहिए। नचिकेता प्रश्न पूछते हैं कि क्या है आत्मा का स्वरूप? यमदेव के अनुसार शरीर के नाश होने के साथ जीवात्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का भोग विलास, नाशवान, अनित्य
और जड़ शरीर से कोई लेना देना नहीं है। यह अनंत, अनादि और दोष रहित है। इसका कोई कारण नहीं है, ना कोई कार्य यानी इसका ना जन्म होता है ना मरती है। नचिकेता प्रश्न करते हैं, यदि कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को नहीं जानता है तो उसे कैसे फल भोगना पड़ता है? यमराज उत्तर देते हैं कि जिस तरह बारिश का पानी एक ही होता है, लेकिन ऊंचे पहाड़ों पर बरसने से वह एक जगह नहीं रुकता और नीचे की ओर बहता चला जाता है, कई प्रकार के रंग रूप और गंध में बदलता है। उसी प्रकार एक ही परमात्मा से जन्म लेने वाले देव, असुर और मनुष्य भी भगवान को अलग अलग मानते हैं और अलग अलग मान के ही पूजा करते हैं। बारिश के जल की तरह सुर असुर कई योनियों में भटकते रहते हैं। नचिकेता जी ने फिर से प्रश्न किया, कैसा है ब्रह्म का स्वरूप और वे कहां और कैसे प्रकट होता है? यमराज के उत्तर में, वह प्राकृतिक गुणों से एकदम अलग है। वे स्वयं प्रकट होने वाले देवता हैं। इनका नाम बसु है। वे ही मेहमान बनकर हमारे घर में आते हैं। यज्ञ में पवित्र अग्नि और उसमें आहुति देने वाले भी वसु देवता ही होते हैं। इसी तरह सभी मनुष्य श्रेष्ठ देवताओं, पितरों, आकाश और सत्य में स्थित होते हैं। जल में मछली हो या शंख, पृथ्वी पर पेड़ पौधे, अंकुर, अनाज, औषधि हो या पर्वतों में नदी झरने, और यज्ञ फल के तौर पर भी ब्रह्म ही प्रकट होते हैं। इस प्रकार ब्रह्म प्रत्यक्ष देव है। नचिकेता ने प्रश्न किया, आत्मा निकलने के बाद शरीर में क्या रह जाता है? यमराज बोलते हैं कि जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तो इसके साथ प्राण और इंद्रिय ज्ञान भी निकल जाता है। मृत शरीर में क्या बाकी रहता है? यह नजर तो कुछ नहीं आता, लेकिन वह परम ब्रह्म उस शरीर में रह जाते हैं जो हर चेतन और जड़ प्राणी में विद्यमान है। नचिकेता फिर से प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को क्यों और कौन सी योनियां मिलती है? यमराज जी के अनुसार अच्छे बुरे कर्मों और शास्त्र, गुरु, संगीत, शिक्षा और व्यापार के माध्यम से देखी सुनी बातों के आधार पर पाप पुण्य होते हैं। इनके आधार पर ही आत्मा मनुष्य या पशु के रूप में नया जन्म प्राप्त करता है। जो लोग बहुत ज्यादा पाप करते हैं वे मनुष्य और पशुओं की अतिरिक्त अन्य योनियां जैसे पेड़, पौधे, तिनके, घास और छोटे छोटे जीव। नचिकेता प्रश्न करते हैं, क्या है आत्मज्ञान और परमात्मा का स्वरूप क्या है? यमराज उत्तर देते हैं कि मृत्यु से जुड़े रहस्यों को जानने की शुरुआत बालक नचिकेता ने धर्म अधर्म से संबंधित कार्य और कारण रूप प्रकृति, भूत भविष्य और वर्तमान से परे परमात्म तत्वों के बारे में जिज्ञासा कर दी। यमदेव ने नचिकेता को ओमकार को प्रतीक रूप में परम ब्रह्म का स्वरूप बताया। उन्होंने बताया कि अविनाशी प्रणव यानी ओमकार ही परमात्मा का स्वरूप है। ओमकार ही परमात्मा को पाने की सभी आश्रयों में सबसे सर्वश्रेष्ठ और अंतिम माध्यम है। सारे वेदों के कई तरह के छंदों व मंत्रों में यही रहस्य बताया गया है। जगत में परमात्मा के इन नाम व स्वरूप के शरण लेना ही सबसे बेहतर उपाय है। उसके बाद यमराज ने नचिकेता को आशीर्वाद देकर उसके पिता के पास भेज दिया। वहां से लौटने के बाद
नचिकेता अध्ययन में लग गया, क्योंकि जीवन की सही राह उसे प्राप्त हो चुकी थी। उसी राह पर चलकर वो एक बहुत बड़ा विद्वान बना और सारे संसार में उसका नाम अमर हो गया। परमात्मा की कृपा और आप लोगों के प्यार से मैं कुछ विषयों पर चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।